नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। अपहरण हुए बालक को पुलिस ने 8 घंटे में ही बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया है। दुकान का नौकर ही 3 वर्षीय बालक को बहला फुसला कर ले गया। उसकी योजना बालक के बदले 10 लाख रुपए फिरौती वसूल करने की थी। पुलिस की सक्रियता से बालक को बरामद कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देवेंद्र गुप्ता 10 बजे से लापता है। 10:30-11 बजे के टाइम पे हमने जानकारी दी। पहले हमने अपने स्तर पर चला था, 10:30-11 पे हमने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस में कितने एसपी साहब, टीआई साहब को पूरा योगदान है। 250 पूछताछ की है, उसके बाद उसने कबूला है कि मैंने लड़के का अपहरण किया था। कि यहाँ पे राजेश गुप्ता जी हैं, वो हमारे कोतवाली थाने में आए थे कि उनका 2.5 वर्ष का नाती है, वो करीब 9-10 बजे से वो मिसिंग है। तो इनिशियली तो उन लोगों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया। करीब करीब 1 बजे में पुलिस थाने आए यहाँ पे, तो पुलिस ने अपना 363 IPC में अपराध पंजीबद्ध किया। यहाँ से थाने की टीम गई तो वहाँ पे CCTV को चेक की है, तो एक संदेही है जो इनके यहाँ पे काम करता है, वो संजय जाटक, वो दिखा है बच्चे से आगे चलता है। तो उसके बाद जब संजय से फिर बाद में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ, बच्चे को उन्होंने ही किडनैप किया है और आगे उनका प्लान था 10 लाख रुपये की फिरौती देने का, और बच्चे को इन्होंने अपनी जो बहन है पुष्पा जाकर उसके यहाँ छोड़ा। ये पूरी घटना थाना टूंडला क्षेत्र के हाईवे पर ट्रक से बचने के चक्कर में बाइक सवार महात्मा गंभीर रूप से घायल। NHAI की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। ओवर ब्रिज बनाने के लिए मंगाए गए पोलों को डाल दिया गया है सड़क पर। मामला थाना टूंडला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद स्थित हाईवे का है। गुरुवार शाम एक महात्मा बाइक पर सवार होकर फिरोजाबाद से आगरा की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को क्रॉस किया। ट्रक से बचने के लिए महात्मा ने जैसे ही बाइक को किनारे लेना चाहा, सड़क पर पड़े पोल से टकराकर वह जमीन पर गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महात्मा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तलाशी लेने पर उनके पास से करीबन 76,000 की नकदी बरामद हुई है। शहर नबी की रिपोर्ट। ये लट्ठे से बोला टकराई है। कैसे? अपने आप टकराए, साइड देने के चक्कर में टकराए अपने आप। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जयारोग परिसर स्थित ब्लड बैंक में किया गया। इस पुनित कार्य के लिए हम है ना शिक्षा एवं सशक्तिकरण समिति की टीम के सभी मेंबरों ने रक्तदान किया। इस कैंप में टीम ने 10 यूनिट रक्त दान किया। इस अवसर पर टीम मेंबर मौजूद रहे। ग्वालियर से अनु पांडे की रिपोर्ट। गंज बासौदा मानसून ने दी दस्तक। हो रही झमाझम बारिश। गंज बासौदा पिछले 3 महीने से शहर की आवाम लगातार पड़ रही गर्मी से परेशान थी। पिछले 4 दिनों से कभी दिन में तो कभी रात के समय हो रही झमाझम बारिश से आम लोगों को गर्मी से काफ़ी हद तक निजात मिली है। मालूम हो कि 15 जून से मानसून दस्तक देता है। पिछले 4 दिनों के अंदर हुई बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। गंज बासौदा से LN 24 की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद खाद्य विभाग में हलचल मच गई है। हर तरफ पॉलीथीन चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। आज फिरोजाबाद में भी इसी क्रम में थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सरस्वती नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम व नगर निगम की टीम के साथ प्लास्टिक गोदाम में छापामारी कार्रवाई की गई। 100 किलो प्लास्टिक के गिलास, कटोरी, थर्माकोल की प्लेट, कप आदि सामान पकड़ा गया और 50,000 का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता है कि प्लास्टिक पर रोक लगे, तो उसी क्रम में मैं खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन से चीफ फूड सेफ्टी अफसर हूँ, नगर निगम की पूरी टीम के साथ यहाँ पर सरस्वती नगर गली नंबर 1 में फिरोजाबाद में उत्तर थाना के अंतर्गत यहाँ एक गोदाम में कार्रवाई की जा रही है। इसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक की सामग्री जैसे थर्मोकोल, प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक के गिलास जब्त किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो थोक विक्रेता हैं वही बंद कर देंगे तो मार्केट में प्लास्टिक दिखाई नहीं देगी, तो यही हमारा प्रयास है ताकि प्लास्टिक मुक्त हमारा प्रदेश रहे। ये पकड़ा गया है जिसमें 2 गोडाउन हैं, इसमें निखिल गर्ग बल्दियत अनिल गर्ग ये पुरानी मंडी के रहने वाले हैं, सरस्वती नगर गली नंबर 1 में इनका ये माल पकड़ा गया है। इसका भी वेट कराएंगे, अनुमानित वेट 100 किलो से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 100 या 150 के करीब। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।